हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। आज के इस वीडियो में हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। चाहे आप जिस भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। आप अगर एग्रीकल्चर AGTA की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये पुराने पेपर में आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ है उसमें आई हुई क्वेश्चंस है। चाहे आप PGT की तैयारी कर रहे हो या TGT की कर रहे हो या प्री PG की तैयारी कर रहे हो या STA वगैरह की किसी भी वैकेंसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सभी एग्ज़ाम में। एग्रीकल्चर का कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रहे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 328.74 मिलियन हेक्टेयर है। ये भारत का क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। अगला है आपका कुल रिपोर्टिंग एरिया। कुल रिपोर्टिंग एरिया है आपका 306 मिली हेक्टेयर। अगला, विश्व क्षेत्रफल का भारत में प्रतिशत है तो 2.4 यानी 7वां स्थान है आपका। अगला, कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्र तो 198 मिलियन हेक्टेयर है। अगला है आपका, भारत में खेती पर निर्भर जनसंख्या, यानी इंडिया में जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड एरिया है यानी जो खेती पर निर्भर जनसंख्या है तो कितनी है? 54.64 है लोग, इतने लोग यहाँ पे खेती करते हैं। अगला है आपका, शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल है तो शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल आपका 141.40 है। अगला है आपका, भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल यानी भारत में जो जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है तो कितना है? तो 96.5 मिलियन हेक्टेयर है। इतना यहाँ का जो क्षेत्रफल क्या है वो सिंचित है, जहाँ पे सिंचाई की क्या है व्यवस्था है। चलिए अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला है आपका, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है? तो जो शुद्ध है तो वो कितना है? 68 है। अगला आपका, देश के कृषि का कुल GDP में योगदान यानी जो GDP है उसका एग्रीकल्चर का कितना योगदान है? तो 18.3% योगदान है। ये 2022 और 23 के डाटा के हिसाब से, तो आप देख लेंगे इसको। अगला है आपका, फसल संग्रहता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? तो 138% है। कितना है? 138% है। अगला है आपका, कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होते हैं? वन होने चाहिए तो 33% पर वन होने चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एग्रीकल्चर UP SSSC AGTA के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या पुराने पेपर हैं सारे पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे इसी चैनल पर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे आप MSc AG इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे BSc AG इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहते हैं। तो UP SSSC AGTA वाले तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ओल्ड पेपर वगैरह हम आपको इसी में प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। अगला है आपका, देश में कुल वन क्षेत्र है तो 21.71 है प्रतिशत है, ये 2023 के डाटा के हिसाब से है। अगला है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? तो 1972 में लाया गया था। अगला है आपका, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना था। कब बना था वन संरक्षण अधिनियम? ये 1980 में बना था आपका, 1980। अगला है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। अगला है आपका, भारत में प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता 0.15 हेक्टेयर है, 0.15 हेक्टेयर है। अगला है आपका, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। विश्व में कुल वार्षिक वर्षण वर्षा है तो 1000 मिलीमीटर है। अगला है आपका, भारत में वार्षिक वर्षण है तो 1190 मिलीमीटर। अगला, भारत में कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र आता है? भारत में कौन सी नदी है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा सिंचाई आता है? तो आपकी गंगा नदी है। अगला है आपका, विश्व में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल तो चीन, कहाँ विश्व में भाई? ठीक है,
अगला है आपका, भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल किसका है? देख ले आप, भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र, अगर देखिए यहाँ पे दोनों आप लोग इन पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। अगर पूछे भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्रफल, तो आपका उत्तर प्रदेश है। अगर भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है तो वो पंजाब में है। पंजाब में 98% जो एरिया सिंचित एरिया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर पंजाब होगा। सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल है आपका गन्ना है, सिकेरम ऑफिसिनेरम। अगला है आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल। देखिए ये भी दोनों क्वेश्चन काफ़ी मिलते जुलते, सबसे अधिक सिंचाई चाहने वाली फसल है आपकी गन्ना है, और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है धान है आपका, ठीक है, ओराइजा सेटाइवा। बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरीगेशन के अंतर्गत सर्वाधिक आता है, तो कहाँ पर आता है ये आपका? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल जो आता है ड्रिप इरीगेशन का, जो सबसे ज़्यादा एरिया है जहाँ पे ड्रिप इरीगेशन होता है, तो आपके महाराष्ट्र में होता है। अगला है फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, यानी जो फव्वारा टाइप में आप देखे होंगे सिंचाई होती है, तो सबसे ज़्यादा फव्वारा सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। अगला है आपका देश में कुल दलहन उत्पादन, तो देश में जो आपका कुल दलहन उत्पादन है तो कितना है? 26.05 मिली टन है 2022-23 के डाटा के हिसाब से। अगला है देश में कुल तिलहन उत्पादन, देश में कुल तिलहन उत्पादन कितना होता है? 41.35 मिलियन टन, ये 2022-23 के डाटा के अनुसार है। अगला है आपका देश में कौन सी दलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ग्राम का होता है, 12.26 मिलियन टन। किसका होता सबसे ज़्यादा? कौन सी दलहन होती है? चना। अगला आपका देश में कौन सी तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो देश है जो सबसे ज़्यादा तिलहन वाली जो फसल है आपका, तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? सोयाबीन होता है। क्या होता है भाई? सोयाबीन 1498 मिलियन टन होता है 2022-23 के डाटा के हिसाब से। तो सोयाबीन होता है ग्लाइशियन मैक्स, सोयाबीन का जो वनस्पतिक नाम है क्या है? ग्लाइशियन मैक्स है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है, जो देश में तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर फसल है तो सरसों है। सबसे ज़्यादा पहले ये आपका मस्टर्ड है, फिर इसके दूसरे स्थान पर क्या है? सरसों है, 12.64, ठीक है। अगला है आपका देश में कुल धान उत्पादन, तो देश में जो कुल धान उत्पादन है आपका 135.7 मिलियन टन 2022-23 के हिसाब से। अगला है आपका देश में कुल गेहूं उत्पादन है, तो 110.55 मिलियन टन 2022-23 में। अगला है आपका देश में कुल कपास उत्पादन, 33.66 मिलियन। अगला है आपका देश में कुल गन्ना उत्पादन, तो देश में कुल गन्ना उत्पादन कितना होता है? 490। अगला है आपका देश में कुल दुग्ध उत्पादन, तो 221 मिलियन टन 2021-22 के डाटा के अनुसार है। अगला है आपका देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य, देश में जहां सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, तो वो कौन सा राज्य है आपका? राजस्थान है 2021-22 से। देश में दुग्ध उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो आपका जो सेकेंड स्थान है, द्वितीय स्थान है, वो अपने उत्तर प्रदेश का है। अगला देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2021-22 के अनुसार कितना है? 444 ग्राम प्रतिदिन, इतनी उपलब्धता होना है। देश में कुल फल उत्पादन है 107.34 मिलियन टन 2021-22। देश में कुल सब्जी उत्पादन 209.14 मिलियन टन। अगला है आपका देश में आलू उत्पादन 56.18 मिलियन टन 2021-22 के हिसाब से। अगला देश में प्याज उत्पादन 31.69 मिलियन टन। देश में कुल उद्यानिकी उत्पादन 347.18 मिलियन। अगला है आपका देश में कुल उद्यानिकी अंतर्गत क्षेत्रफल आता है 28.04 मिलियन टन। देश में कुल आपका जो मांस उत्पादन होता है तो 9.29 मिलियन टन होता है।
अगला देश में मांस उत्पादन में प्रथम राज्य, देश में जो सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन हुआ था तो उस राज्य का क्या नाम है? महाराष्ट्र है। क्या भाई? महाराष्ट्र। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में कमेंट करें, तो हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। जितने भी AGTE के स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।